आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही इजीली बना है और इसमें हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले पालक के पत्ते को बिल्कुल अच्छी तरह से वाटर से वॉश करके एक स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। और फिर बॉयल्ड वाटर में पालक को ऐड कर दें। हम एक साथ जितना हमें बनाना है उतना पालक ऐड कर देंगे। पालक ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम या हाई रखेंगे और इसे बॉयल्ड वाटर में ही ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट तक बॉईल करेंगे। एक बार इसको चिमटे के हेल्प से पलट लेंगे ताकि पूरे साइड से पालक कुक हो जाए और 3 से 4 मिनट में पालक हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना करें। जब हमें लगे कि पालक सॉफ्ट हो गई है तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए अब पालक सॉफ्ट हो गई है और अच्छी तरह से कुक हो गई है। फ्लेम ऑफ करके इसको आइस कोल्ड वाटर में ऐड करेंगे। इससे पालक का कलर भी चेंज नहीं होगा और सब्जी बहुत ही ग्रीन बनेगी। आप चाहें तो पालक को फिर निकाल के इसको फ्रिज में या फिर फ्रीजर में रख सकते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। लगभग 1/2 kg पनीर को ऐसे बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। हम पीसेस थोड़े बड़े रख रहे हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पनीर कट करने के बाद अब एक मिक्सचर जार लेंगे और इसमें जो हमने पालक को फ्रीज में रखा है उसको ऐड कर देंगे। वाटर हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, वाटर हटा देंगे। सारे पालक को एक साथ ऐड कर देंगे। पालक जब ठंडी हो जाए तब ही इसको मिक्सर जार में ऐड करें और बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब आगे हम एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करके हम इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। शैलो फ्राई करने में ये कम ऑयल एब्जॉर्ब करता है। एक साथ हम कई सारे पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे। एक साथ फ्राइंग पैन में जितना ऐड हो उतना ही ऐड करें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ना ऐड करें। बाकी हम इसके बाद फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर तक इसको फ्राई होने दें। फ्लेम को मीडियम या हाई रखेंगे। थोड़ी देर के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसको ऐसे पलट लेंगे। देखिए पनीर कितना बढ़िया फ्राई हुआ है। ऐसे ही पूरा पलट लें और दोनों साइड हमें इसको सेम कलर का होने तक फ्राई करना है। जब दोनों साइड सेम कलर का हो जाए तब इसे एक प्लेट में निकाल लें और जो ऑयल बचा है इसमें और पनीर फ्राई कर दें। हमने इसको दूसरी गैस पे चढ़ा दिया है और आगे हम ग्रेवी बनाएंगे। एक कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड करेंगे। हम इस सब्जी को सरसों के तेल में बना रहे हैं। फ्लेम को एक बार हाई रखेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम लगभग 1/2 teaspoon जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले में हम इलायची ऐड कर रहे हैं। आप इसमें कोई भी सूखे मसाले ऐड कर सकते हो। फ्राई होने के बाद अब इसमें ग्रेट किए हुए अदरक और दरदरी पीसे हुए लहसुन ऐड करेंगे। आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हो। जब तक हमारा पनीर फ्राई हो रहा है तब तक हम ग्रेवी भी बना लेंगे। इसे हल्का सा फ्राई करें, लगभग 1 मिनट। 1 मिनट फ्राई होने के बाद अब इसमें 2 हरी मिर्च को ऐसे हाथ से तोड़ के ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बारीक कट करके भी ऐड कर सकती हो। इसी के साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद इसमें लगभग 2 कप बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। अगर आप इसमें पालक ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तब आप प्याज 2 कप ऐड करें और अगर पालक कम है तब आप इसमें 1 कप प्याज भी ऐड कर सकती हो। हमने 3 medium size की प्याज को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। प्याज के हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें लगभग 1 कप टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, टमाटर का पेस्ट। इसे मिक्स कर लें। मिक्स करके लगभग 2 से 3 मिनट तक कुक करें ताकि टमाटर अच्छी तरह से भुन जाए और एक बार इसको स्पैचुला से चला लें। बीच बीच में चलाते रहने से ये जलता नहीं है। फ्राई होने के बाद इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी और सॉल्ट ऐड करेंगे। आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। इसी के साथ ही आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकती हो। हम इसे बिना रेड चिली पाउडर के बना रहे हैं। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें जब तक मसालों में से तेल अलग सा ना दिखने लगे। ये देखिए जब मसालों में से तेल अलग सा दिखने लगता है तो ग्रेवी में जो ये मसाले हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, ये कच्चे नहीं लगते हैं। और बीच बीच में लगातार चलाते रहें। फ्राई होने के बाद अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग गर्म मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और गरम मसाला हम बाद में ही ऐड करेंगे। मिक्स करके हल्का सा भुने। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट भुने। उसके बाद अब इसमें हम जो पालक की प्यूरी बनाए हैं उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए पालक कितना ग्रीन है। हमें इसमें कोई भी फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। और पालक में जो ये मिक्सचर रह गया था मिक्सचर जार में उसमें हम वाटर ऐड करके इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो और वाटर भी ऐड कर सकती हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें।
मिक्स करने के बाद हम इसमें अभी और वाटर ऐड करेंगे। अगर आपको ग्रेवी बहुत गाढ़ी बनानी है तब आप वाटर ना ऐड करें। हम इसकी ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए हम इसमें थोड़ा वाटर और ऐड कर रहे हैं। और वाटर तभी ऐड करें जब ये ऐसे बॉयल होने लगे। हल्का हल्का बॉयल होने के बाद इसमें लगभग हाफ कप वाटर और ऐड कर दें। वाटर ऐड करके एक बार मिक्स कर लें। मिक्स करके हम इसे लगभग 6 से 7 मिनट तक बॉयल करेंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। हमें इसे तब तक बॉयल करना है जब तक ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी ना हो जाएगी। देखिए हल्का गाढ़ा हो उतना ही हमें इसे कुक करना है और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। मसाले की अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं और सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। अब इसे बॉयल होने दें। थोड़ी देर में ग्रेवी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी और हल्की सी थिक हो जाएगी और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखिए अभी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है और ग्रेवी हल्की सी ड्राई हो गई है। बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना करें और फ्राई किए हुए पनीर ऐड कर दें। पनीर ऐड करके हमें इसे लगभग 2 मिनट तक कुक करना है। बहुत ज़्यादा देर तक भी कुक नहीं करना है, बस इसे मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट तक कुक करें। हम ग्रेवी ढक के या खुला भी कुक कर सकते हैं। ढक के कुक करने से जल्दी से कुक हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए पनीर भी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा 2 मिनट में। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। जब हमें ग्रेवी कुछ ऐसी दिखने लगे तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी अच्छी तरह से कुक हो गया है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे नान या चावल की कोई भी रेसिपी के साथ सर्व करें। ऊपर से हम देसी घी और जीरे का तड़का ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो अदरक और लाल मिर्च भी ऐड कर सकती हो तड़के में। आप इसे इस विंटर्स में जरूर ट्राई करें। हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और हमारी अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।